क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं यहाँ पे, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। इसमें हम क्या करने वाले हैं समझो, पहले देखो ये 27वां क्वेश्चन है, इसमें हम ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस करेंगे एसएल अरोड़ा के अकॉर्डिंग। तो बच्चों जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे सामने, वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले वो समझ लो, यहाँ पे रेफर करके बता रहा हूँ। मान लो कि मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, और इसके इर्द गिर्द जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, राइट। इस फील्ड में अगर मान लो कि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है इन्फिनिटी पॉइंट से, ठीक है, इन्फिनिटी से या किसी भी एक पॉइंट से, इसको ए मान लो। अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आता है उसको भी आप क्यू मान लो, उसको क्यू टू मान लो, मान लो तो क्यू वन और क्यू टू एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में मैंने आपको समझाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसी प्रकार से ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपके सामने एक चार्ज पार्टिकल होता है, राइट। उस चार्ज पार्टिकल के आगे जितना स्पेस या एरिया होता है, ये स्पेस या एरिया, इस वर्ड पे स्ट्रेस दो, स्पेस और एरिया, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड की भी बात करेंगे। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होगा, यहाँ तो चार्ज पार्टिकल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो बीच में एक मैग्नेट होता, यहाँ पे मैग्नेट होता, और इस मैग्नेट के आसपास के एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियर फील्ड होता है, न्यूक्लियस होता है यहाँ पे सेंटर में, उसके आसपास के एरिया को हम न्यूक्लियर फील्ड कहते हैं। बट व्हाट अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड, ये चीज़ हमें जाननी है। तो इसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और फिर आपको मैं समझाता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो टॉपिक आपका वही ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अपने अगर बुक को रेफर करोगे तो वहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, लिखा हुआ है कि टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दो बॉडीज है, सपोज करो कि अगर दो बॉडीज यहाँ पे बनाने की कोशिश करें, तो ये एक बॉडी है, ठीक है, ओके, दूसरी ये बॉडी है सपोज। अगर ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मान लो कि ये सेंटर से सेंटर में तक फोर्स लगता है, क्योंकि सारा मास कहाँ कंसेंट्रेटेड होता है, सेंटर में। तो दो बॉडी एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, तो टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इवन इफ दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दिस इंट्रैक्शन इज कॉल्ड एक्शन एट अ डिस्टेंस। इट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। तो अगर यहाँ पे दो बॉडीज के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, आपको दिख रहा होगा इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, इसके बाद भी ये बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो अगर ये बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है विदाउट कॉन्टैक्ट, तो इसका मतलब ये है, सपोज करो कि ये वाली बॉडी इससे अट्रैक्ट हो जाती है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ये वाली जो बॉडी है ना, इसके फील्ड में आ गई होगी। कैसे आ गई होगी, मान लो इस बॉडी का, इस वाले बॉडी का ये फील्ड रहा होगा, इतना मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना बड़ा इसका फील्ड रहा होगा, ठीक है, इसके पीछे की तरफ भी जाएगा। तो ये वाली जो बॉडी है अब शायद इसके फील्ड में आ गई, इसका फील्ड है तभी तो इसको अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो ये इसका एक मीनिंग होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का, राइट। अब अगर ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं थोड़ा और एलिबरेट करूँ, एवरी मास मॉडिफाई द स्पेस अराउंड इट। तो इसको आसान भाषा में समझते हैं, मान लो कि ये बॉडी है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं बनाते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, लेट सपोज कुछ भी ले लो, मान लो कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं इसका फील्ड बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का ये जो है इसके आसपास फील्ड है, ठीक है, ये इस ऑब्जेक्ट का फील्ड है, ये ऑब्जेक्ट सेंटर पे प्रेजेंट है, इसका फील्ड है, ठीक है। अब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, मान लो कि एक और ऑब्जेक्ट आया, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, ये इसके फील्ड में आ गया, ठीक है, ये इसके फील्ड में आ गया। तो इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ने इसको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, राइट। जब अट्रैक्ट कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, ये जो पोर्शन है, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये सर्कल क्या है, इस वाले ऑब्जेक्ट का फील्ड है, ठीक है। तो इस फील्ड को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। अब अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में ये क्या कर रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट पे, ये वाला ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। क्या इस वाले ऑब्जेक्ट का भी अपना फील्ड होगा, बिल्कुल, इस वाले ऑब्जेक्ट का भी अपना एक फील्ड होगा, राइट। इस वाले ऑब्जेक्ट का भी मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ तो फील्ड होगा। अच्छा, इसका क्या कमी होगा, इसके कंपैरिजन में हमेशा इसका कम होगा, नहीं, इसका ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है इसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। फिलहाल तो इसकी इंटेंसिटी मैं ज़्यादा मान के चल रहा हूँ, तो इसका फील्ड मैंने ज़्यादा बनाया। तो आई होप कि मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है इसमें कि एवरी मास मॉडिफाई स्पेस अराउंड इट। तो जितने भी मास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे अपने आसपास क्या बनाते हैं, स्पेस बनाते हैं, राइट। आपको दिख रहा होगा ये एक मास वाला ऑब्जेक्ट, इसका अपना एक मास होगा तो अपने आसपास स्पेस बना रहा है, ये मास वाला ऑब्जेक्ट अपने पास स्पेस बना रहा है। तो अगर मास वाला ऑब्जेक्ट अपने पास स्पेस बनाता है तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड।
अगर चार्ज वाला ऑब्जेक्ट अपने आसपास स्पेस बनाता है तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर मैग्नेट वाला ऑब्जेक्ट अपने आसपास फील्ड बनाता है, ये मैग्नेट है सपोज करो, ठीक है ये मैग्नेट है, अगर मैग्नेट वाला ऑब्जेक्ट अपने आसपास फील्ड बनाता है तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप कि फील्ड का मतलब समझ गए होगे, स्पेस स्पेस अराउंड एनीथिंग, ठीक है स्पेस अराउंड एनीथिंग मतलब स्पेस अराउंड मास, स्पेस अराउंड चार्ज या स्पेस अराउंड मैग्नेट। तो मैंने मोर देन इनफ आपको समझा दिया है, ठीक है ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27 एसएल अरोड़ा के अकॉर्डिंग, आई होप समझ गए होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला है डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट, राइट। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वाला देखो, इसका इतना ही बड़ा स्पेस क्यों बना, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इसका स्पेस इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा क्यों बना, क्योंकि अगेन इसकी इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में कम होगी, तो इसका छोटा सा स्पेस बना है। यानी कि आप इंटेंसिटी समझ गए, इंटेंसिटी मतलब कि उसके अंदर एबिलिटी कितनी है, इसकी एबिलिटी नहीं है ज़्यादा तो इसका स्पेस कम बना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी एबिलिटी ज़्यादा है या नहीं है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन किस पर डिपेंड करता है, मास पे। अगर मास ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली उस ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। मतलब इत्तेफाक से मैंने इसको बड़ा बनाया इस ऑब्जेक्ट को, लेकिन इसका फील्ड मैंने छोटा दिखाया है, बट आप समझ गए हो कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता हूँ मैं। अगर इसका मैं मास बढ़ा दूँ और भी ज़्यादा कर दूँ, तो इसकी जो इंटेंसिटी है ना वो और भी ज़्यादा हो जाएगी, पूरे फोन के स्पेस को कवर कर लेगी, राइट। तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वही हमें डिफाइन करना है, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जो भी फील्ड बनाया ना उसकी इंटेंसिटी। अच्छा एक और चीज़ समझो, अगर मैं आपके लिए एक ब्लैंक स्लाइड लेकर आपको एक्सप्लेन करूँ एक और चीज़, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि देखो, अब मान लो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है मासेज वाला, ठीक है ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है इस ऑब्जेक्ट के अराउंड मैं एक फील्ड ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो इसके अराउंड मैंने एक फील्ड ड्रॉ करने की कोशिश करी, ठीक। तो ये जो फील्ड है ना, ये जो फील्ड बन के आया इसके अराउंड, ठीक है ये फील्ड ये डिफाइन कर रहा है। मान लो कि अगर ये फील्ड है, लेट सपोज इसका रेडियस है, ये रेडियस जो है वो है 5 मीटर, तो 5 मीटर ही क्यों हुआ, वो इस पर डिपेंड करेगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इस वाले की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। अच्छा अगर इसकी जो भी इंटेंसिटी होगी, अभी मान लो ये फील्ड है इसका, लेट सपोज ये फील्ड है, ठीक है, तो इस फील्ड में हर एक पॉइंट पे आपको फोर्स फील होगा, हर एक पॉइंट पे कहीं भी आओगे आपको क्या फील होगा, फोर्स फील होगा। कौन सा फोर्स फील होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स फील होगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना फील्ड के अंदर, हर जगह कॉन्स्टेंट होता है, हर एक पॉइंट पे यहाँ 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 हर जगह क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो जो भी जितनी भी वैल्यू, फिर से स्ट्रेस कर रहा हूँ वर्ड पे, जितनी भी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स की आपकी फील होती है, ठीक है मान लो किसी को 10 न्यूटन फील होता है, किसी को 20-15 न्यूटन फील होता है, तो यही जो वैल्यूज़ है ना, यही वैल्यूज़ इंटेंसिटी होती है, ठीक है भाई। किसी को कोई आके कहता है भाई मेरे को तो ज़्यादा इंटेंसिटी फील हुआ, मतलब उसको ज़्यादा वैल्यू फील हुई, बात बस इतनी है, ठीक है। और ये इंटेंसिटी कहाँ फील होती है, हमें फील्ड के अंदर, फील्ड के बाहर कोई इंटेंसिटी नहीं होती है। एक मास ऑब्जेक्ट, उसका फील्ड, उसके अंदर आओगे तो आपको इंटेंसिटी फील होगी, तो ये अंदर आने पर आपको इंटेंसिटी फील होती है, तो ये इंटेंसिटी का मतलब था। अब रीड आउट करते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो वापस देखो, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। सपोज करो कि मान लो कि मैं यहाँ पे अगेन एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे कहीं पे भी आपसे इंटेंसिटी पूछा हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप इस पॉइंट पे फोर्स निकाल लो, ठीक है। अगर आप फोर्स निकाल लोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अल्टीमेटली आप क्या निकाल लोगे, इंटेंसिटी निकाल लोगे। अब फोर्स कैसे निकलता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर से समझाते हैं, यहाँ पे फोर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट। अब देखो एम वन एम टू क्या होगा, ये वो ऑब्जेक्ट, ये एक फील्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मान लो ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है इसका ये फील्ड है, ठीक है। और इसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, मान लो कि ये आ रहा है, ठीक है ये इसके अंदर आ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, ठीक है वही फोर्स हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मास जो होगा वो m1 हो जाएगा, इसका मास जो होगा वो m2 हो जाएगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी ना, वही आपकी यहाँ पे फिर इंटेंसिटी भी होगी, राइट। तो मैंने इंटेंसिटी को क्रिस्टल क्लियर कर दिया, अच्छे से आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 29 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन के साथ समझना। शो डैट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू फ्री एक्सेलरेशन ऑफ अ टेस्ट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। पहले इस टेस्ट मास का मतलब समझो बच्चों, टेस्ट मास क्या होता है, देखो सपोज करो वापस आते हैं, सपोज करो कि आपके पास अगेन एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
इसका कुछ मास है तो इसका अपना एक फील्ड भी होगा, तो इसका एक फील्ड ड्रॉ करते हैं, तो इसका अपना एक फील्ड है राइट, ये इसका फील्ड हो गया। तो ये तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, इसके फील्ड की वैल्यू कितनी है, इसके फील्ड की वैल्यू कितनी है वो हम कैसे जज करते हैं, इंटेंसिटी से। और इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है, फोर्स से। फोर्स कहाँ निकाला जाता है, फील्ड के अंदर आप आओगे यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे आओगे तो कोई ना कोई तो आएगा ना इस फील्ड के अंदर जिसको फोर्स फील होगा। तो जो आता है इसके अंदर, मान लो कि इसके अंदर लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट आया, एक ऑब्जेक्ट आया इसके अंदर इस फील्ड में, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आया है फोर्स फील करने इसका, यानी इंटेंसिटी पता करने इसका। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, यही ऑब्जेक्ट होता है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी को हम कहते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट या फिर टेस्ट ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। ये टेस्ट करने आया है कि भाई तेरी तेरी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो कैसे टेस्ट करेगा, ये अपने पे फोर्स लगवाएगा इससे, ये कहेगा अच्छा बेटा मेरी इंटेंसिटी चेक करने आया है, ला तेरे पे फोर्स लगाता हूँ। अब इसमें मान लो कि लग गया लेट सपोज 20 न्यूटन का फोर्स, ये कहेगा भाई साहब तगड़ा इंटेंसिटी लगा के भेजा उसने मेरे को, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पर टेस्ट मास का मतलब क्या है। इस टेस्ट मास का इंटेंसिटी ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ बॉडी, तो आपको यही सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। अब यार डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको यहाँ पे डॉट सा, ये मेरे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ये गोला इसका फील्ड है, ठीक है। ये पी पॉइंट पे एक टेस्ट मास पड़ा है, ये चाहता है कि इसके अंदर आए और क्या देखे, इसकी इंटेंसिटी जज करे। तो एक बात बताओ, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट, ये जो डॉट सा दिख रहा है, अगर ये इस गोले को खींच के अपने फील्ड के अंदर तक ला सकता है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी एबिलिटी है, ठीक है। तो ये इनके बीच का डिस्टेंस फिलहाल आर है, देखो ये फोर्स इस एरो देखो इस तरफ लग रहा है, मतलब ये खींचा खींचा चला आ जाएगा इसके अंदर और एरो यहाँ पे जाके खत्म हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। अब जितने फोर्स से इसकी तरफ खींचा चला आएगा उसी को हम यहाँ पे इंटेंसिटी कहेंगे, ठीक है। जो इंटेंसिटी होती है उसको हम लोग ई से लिखते हैं, आई से नहीं लिखते, इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये फील्ड की इंटेंसिटी है, ठीक है। तो इंटेंसिटी को हमेशा हम ई से लिखते हैं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ के, मतलब कि अगर आपका फोर्स ज़्यादा है तो आपकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा खींच पाओगे, ठीक है। तो ये ई से हम इंटेंसिटी लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, डिवाइडेड बाई मास। एक बात बताओ, अगर किसी का मास ज़्यादा है तो उस पर फोर्स लगाना मुश्किल हो जाएगा, तो उस पर इंटेंसिटी का असर नहीं होगा। मान लो कि आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेट्स सपोज आपकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन एक बहुत भारी भरकम ऑब्जेक्ट है, तो क्या उसको खींच पाओगे आप? नहीं खींच पाओगे ना। इसीलिए मास जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि अगर फोर्स ज़्यादा लगा दोगे तो जरूर खींच के आएगा आपकी तरफ, ये जरूर खींच के आएगा, लेकिन अगर इसका मास ज़्यादा हुआ तो नहीं आएगा खींच के। तो इंटेंसिटी बराबर, इंटेंसिटी का फॉर्मूला समझ आ गया अच्छे से, फोर्स अपॉन में मास। कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि नीचे मास क्यों लिखा, तो मैंने समझा दिया राइट। अच्छा, ये भी चीज़ आ गया आपको समझ में। अब इसको रब कर देते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। रब हो गया ये, ठीक है ठीक है। अब आगे बढ़ो, तो यार यहाँ तक तो मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो, न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये जो मास है ना यहाँ पे, ये एम और ये कैपिटल एम, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। फिर हमें पता है, हमें यहाँ पे पता है कि हम फोर्स को ई इंटू में एम भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये चीज़ देखो, मैं आपको अलग जाके करा के दिखाता हूँ, यहीं पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ लिख के, कि फोर्स इज इक्वल टू, ये था आपका जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर राइट। अब एक और फार्मूला था, ई इज इक्वल्स टू एफ बाई एम। तो जो ये एफ की वैल्यू है ना, उठा के यहाँ पे डाल दो, बस इन्होंने ये भी किया है, इस एफ की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दिया है बस। तो उसके बाद नीचे इस एम से ये एम कट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपके पास आंसर में आ जाएगा जी एम अपॉन में आर स्क्वायर राइट। तो इसको सॉल्व कर लेना इस वाले फार्मूले में, इस ई इज इक्वल टू एफ बाई एम में ये एफ पुट कर देना है आपको, ठीक है, ये सॉल्व होकर आ जाएगा। अगर मान लो कि रेडियस इन्फिनिटी है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना बहुत दूर प्रेजेंट होता, ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा दूर प्रेजेंट होता, कौन सा वाला ऑब्जेक्ट? ये वाला ऑब्जेक्ट बहुत दूर प्रेजेंट होता, इन्फिनिटी पर प्रेजेंट होता। मान लो कि इनके बीच में दूरी इन्फिनिटी की होती। अच्छा, अगर ये इन्फिनिटी पर प्रेजेंट होता तो क्या होता? अगर ये इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है तो आगे रीड करते हैं, तो भैया जो आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू है जीरो है। भाई कोई इतना कैपेबल थोड़ी हुआ कि इंटेंसिटी वो इन्फिनिटी से भी किसी को उठा के ले आए। अगर ऐसा है, वो कैपेबल है अगर वो, तब तो भाई वो सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है। तो अगर रेडियस इन्फिनिटी है तो आपकी इंटेंसिटी जीरो होगी राइट। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया कि जीरो इंटेंसिटी कब होती है, जब इन्फिनिटी पर प्रेजेंट होता है, ये आपसे एंट्रेंस में पूछते हैं एमसीक्यू में। अच्छा, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में मास। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में मास, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये मान के चलूँ कि मास जो है ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, मास जो ऑब्जेक्ट का है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो एक्सेलेरेशन किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे फोर्स किसके बराबर है?
इंटेंसिटी के बराबर, ठीक है। तो हर बारी एक्सेलेशन किसके बराबर होगा? इंटेंसिटी के बराबर, राइट। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, एक्सेलेशन होगा इंटेंसिटी के बराबर, यानी कि कितने कितनी एक्सेलेशन से आपकी तरफ वो खींचा चलाएगा, ठीक है, कितने एक्सेलेशन से आपकी तरफ वो खींचा चलाएगा, इस पर डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी आपकी, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अभी आखिरी क्वेश्चन है आपके पास, शो डैट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दी अर्थ एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। बस वही बात बोली है इन्होंने कि आपको ये दिखाना है यहाँ पे कि जो इंटेंसिटी है ना वो एक्सेलेशन के इक्वल है। हमने भी अब यही पढ़ा था, इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? एक्सेलेशन होता है। बस यहाँ पे अर्थ के केस में पूछा, यानी कि एक्सेलेशन की जगह ग्रेविटी आ जाएगा। चलो हम समझते हैं इस बात को। मान लो कि अपना अर्थ है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो भाई अर्थ की है इंटेंसिटी, खींच पाता है, और अर्थ अपने फील्ड के अंदर लेके आता है। ये डॉट है अर्थ, अंदर जो डॉट दिख रहा है ना, ये डॉट है अर्थ, और ये ओ है, पॉइंट ओ का नाम है, छोटा सा डॉट है अर्थ, और ये पूरा जो गोला है ये इसका फील्ड है, राइट। ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इत्तेफाक के अर्थ साला कुछ छोटा है और ये जो गोला है वो बड़ा है, पर वो अलग बात है, खैर छोड़ो इस चीज़ को। तो ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, पॉइंट मास हमेशा छोटा होता है, इसे टेस्ट मास भी कहते हैं। ये अर्थ के फील्ड के अंदर आएगा, राइट, ये अर्थ के फील्ड के अंदर आएगा, अर्थ इस पर फोर्स लगाएगा और ये खींचा खींचा अर्थ के फील्ड के अंदर आ जाएगा। कैपिटल आर अर्थ का रेडियस है, राइट। तो अर्थ का मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम, तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। हमें बस ये प्रूफ करना है कि जो इंटेंसिटी अर्थ लगा रहा है वो ग्रेविटी के इक्वल होगा। हम इसको प्रूफ भी कर पाएंगे। देखो हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स अपॉन में मास, ठीक है, और फिर हमने सॉल्व किया था फोर्स की जो वैल्यू डाली थी ना, फोर्स की पूरी वैल्यू डाल के सॉल्व किया था, तो ये वाला आंसर आया था हमारा, राइट। अब ये वाला हमारा आंसर आ गया। तो जब ये वाला हमारा आंसर आ गया तो आप पीछे ग्रेविटेशन का रिलेशन देखोगे, मैंने ग्रेविटेशन का रिलेशन कराया हुआ है। चलो मैं यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ आपको, फिर से करा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखो फोर्स बराबर होता है हर बारी मास इंटू में ग्रेविटी, और फोर्स बराबर होता है यहाँ पे जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर, राइट। तो इन दोनों फोर्स को कंपेयर करो, इनको जब कंपेयर करोगे तो एम जी बराबर आ जाएगा जी एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ से एम से एम कट गया तो जी की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, राइट। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? तो जो स्मॉल जी होता है वो किसके बराबर होता है? जी एम अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पे इंटेंसिटी किसके बराबर है? वो भी जी एम अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर है। तो इंटेंसिटी जब जी एम अपॉन में आर के स्क्वायर है तो ई बराबर जी हो जाएगा, ठीक है, ई बराबर जी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू भी जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये वैल्यू भी जी एम अपॉन में आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर मैं नोटिस कराऊँ आपको तो ई बराबर क्या हो गया? जी, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये अपने चार क्वेश्चन थे, डन।